हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन में। सो गाइस, आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस बैंक में अभी भी जब बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि 4,000 पॉइंट 2 दिन में बढ़ चुका है, अभी भी इसमें 10% और ऊपर जाने की कैपेसिटी है, अभी भी या और ऊपर जा सकता है। गाइस, ये बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, हम समझ सकते हैं। अभी जो इस बैंक में पर्टिकुलर न्यूज़ भी आई थी और उसके दौरान हमने देखा था कि जो बड़े बड़े जो फॉरेन हम देखते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो DIIs हैं, उन सब लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा माल उठाया है। 2 दिनों में 3 दिनों में हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, इस पर्टिकुलर बैंक में बहुत ज़्यादा माल उठा है और सारे दिग्गजों लोगों ने माल उठा के रखा हुआ। तो गाइस, अभी भी मुझे लगता है कि इसमें जो 10% अपसाइड बाकी है, जब उन लोगों ने माल उठाया तब मैंने जब ये देखा कि ये अपसाइड आ रही है, तो मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तो एक पैटर्न बना हुआ है और लॉन्ग टर्म रेंज से ये पर्टिकुलर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। सो गाइस, अब हमारे ये एक बाय लेवल पे आ चुका है, अब हमें इसे बाय करना है। कौन सा स्टॉक है उसके बारे में हम बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े जो दिग्गजेस हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, और हम देख रहे हैं जो ब्रोकरेजेस हैं, ब्रोकरेज हाउस जो है, जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस उठा रहे माल, हम देख पा रहे हैं गाइस कि वो लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपसाइड देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब इस स्टॉक पे हमें बाय की पोजीशन बना लेनी चाहिए। तो ये कौन सा स्टॉक है, अब हम चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और चार्ट्स में जाके इस पर्टिकुलर स्टॉक की स्टडी करते हैं। तो गाइस, मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाता हूं और हम चार्ट्स में अब देखेंगे किस तरीके से हमें काम करना है। जी गाइस, तो मैंने ये ओपन कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के ऑप्शन यहाँ पर आपको विजिबल होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 दिन पहले गाइस एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका था आर या पार की लड़ाई, कल का दिन निफ्टी के भविष्य तय करेगा। आप देख सकते हैं 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, और जो हमने देखा था कि कल के दिन जब मार्केट में एक रैली आई थी, उससे एक दिन रात पहले मैंने ये वीडियो बना दी थी कि जो कल का दिन है, जो फ्राइडे का सेशन है, वो मार्केट का भविष्य तय करने वाला है। और आप देख सकते हैं कि भविष्य तय कर ही चुका है, जो ऑल टाइम हाई के आस पास आ चुके हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि अगर आप ये मेरी वीडियो देखते तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, और किस तरीके से आप पैसा कमा सकते थे। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें से आपको एक्सप्लेन कर रखा था, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी तो जाके अभी भी देख सकते हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, मैं स्टॉक मार्केट का एक कोर्स एक तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिस का एक ही कोर्स है, जो एडवांस ट्रेनिंग आप लोगों को हमारे थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। ये वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा, किस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, या आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड कराई रखी है, उसके थ्रू आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे से बात करके मेरे से समझ सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिएगा, शिवांश भसीन मेरा यूट्यूब चैनल है, जाके सर्च करिए, जाके ज़रूर देखिए। गाइस, हम बढ़ते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। लाइव मार्केट है, अभी मार्केट ओपन है, आप देख सकते हैं। अभी भी मैं एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं जो चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है गाइस, ये एक वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा हुआ है। मैं अभी के लिए फ़िलहाल उसे हटा देता हूँ, मैं फिर आपको तब दिखाता हूँ कि उस पर मैंने क्यों लगाया था और कैसे लगाया था। गाइस, जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 डे का मूविंग एवरेज और 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस, ये दो पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस के अंदर कोई अगर स्टॉक काम कर रहा है, अगर उसके अंदर ही वो काम करे जा रहा है, तो उसके ऊपर वो ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ से जो अपसाइड बढ़ती है, वो अपसाइड होती है जो उसका प्रीवियस जिस हाई से वो नीचे गिरा था। आप समझ सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक्सिस बैंक का ये चार्ट, आप इधर देख रहे हैं, वीकली मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये मैंने एक्सिस बैंक का है 50 डे का एक मूविंग एवरेज और 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देख सकते हैं कि 2 महीने से, यानी कि 7 हफ्ते हैं, ये 7 कैंडल बनी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 महीने से पर्टिकुलर एक्सिस बैंक 50 दिन का मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस मान रहा था और 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट मान के ट्रेड कर रहा था। यानी कि 640 से लेके 690 तक ये पर्टिकुलर 50 पॉइंट की रेंज में ही बार बार हर हफ्ते एक्सिस बैंक 2 महीने तक हमें ट्रेड करते हुए दिखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि इस हफ्ते, यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर गाइस, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ा, 50 दिन के यानी कि 2 महीने के रेंज को अपने वीकली चार्ट में ब्रेक करा, और वहाँ से हमने देखा एक अपसाइड देखने को मिली।
तो गाइस सबसे पहली बात है ये अपसाइड से कहाँ तक लेकर जा सकती है। जो हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है वो अल्टीमेट टारगेट होता है जहाँ पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हमने देखा ये गिरावट आई है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से जो गिरावट आई है वहीं तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि 700 का लेवल से 800 820 तक के लेवल तक ये आराम से जा सकता है। दूसरी बात, जो ये गिरावट आई है यहाँ से लेकर, जो हमने यहाँ से जो फॉल देखी है नीचे तक 100 डे के मूविंग एवरेजेस तक, जो ये सपोर्ट ले रहा था बार बार, अगर हम इस ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस का 61% रिट्रेसमेंट तक तो ये वो कंप्लीट कर ही देगा। 61% रिट्रेसमेंट मतलब मुझे लगता है कि यहाँ तक तो ये एक बार जा सकता है, ये पूरे का 61% जो है गिरावट है उसको 61% तक कवर अप कर लेगा। तो 61% यहाँ, वरना थोड़ा नीचे बैठता ही है, जो मैं आपको फिबोनाची में भी एक बार बैठ के दिखाऊंगा। सो गाइस सबसे पहला जो हमने एक पर्टिकुलर एक्सिस बैंक में देखा है कि 2 महीने की रेंज के ऊपर निकला, निकलने के बाद जो इसका अल्टीमेट टारगेट है वो अल्टीमेट टारगेट है जो इसने गिरावट दिखाई है उस गिरावट तक ही जाएगा, या फिर मिनिमम टू मिनिमम 61% रिट्रेसमेंट तक तो ये दिखा के जा सकता है, जो कि 790 यानी कि अल्टीमेट 800 का ही टारगेट है गाइस। तो दूसरी पैटर्न जो है वो दूसरा पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब आप दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़िए गाइस, तो मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम होना है। सबसे पहले मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ नहीं करता, मैं आपको दूसरा पैटर्न के बारे में समझा देता हूँ, फिर हम सीधा फिबोनाची की तरफ बढ़ेंगे और उसमें सारी स्टडी करेंगे। टारगेट्स और स्टॉप लॉस हम उसमें फाइंड करेंगे गाइस, इसमें सिर्फ मैं आपको ट्रेंड लाइन के बेसिस पे पैटर्न्स की स्टडी करा रहा हूँ कि पैटर्न्स किस तरीके से पैटर्न्स बने हैं और ब्रेकआउट स्टॉक क्या होता है, वो कैसे ब्रेकआउट होता है, क्या टारगेट होता है। गाइस देख सकते हैं यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया, हमने देखा स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया और ये स्टॉक आ गया सीधा डायरेक्ट नीचे। तो गाइस ये जो पैटर्न है ये पैटर्न कहलाता है बटरफ्लाई पैटर्न, बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न ये कहलाता है गाइस। तो अगर मैं इसमें बटरफ्लाई बना के दिखाऊं तो बटरफ्लाई इन द सेंस बनती है अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं गाइस, और अगर मैं इस लेवल को इस लेवल से जोड़ दूं, तो ये हमारे लिए एक बटरफ्लाई का काम करती है, यानी कि एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न है, और जिसका अल्टीमेट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं गाइस वो अल्टीमेट टारगेट दिखाता है कि वो इस लेवल तक जा सकता है, ये लेवल तक ये जा सकता है जो कि 750 का लेवल आपको शो कर रहा है, जो इसका प्रीवियस जहाँ से इसने हमने देखा था ये जो सपोर्ट लिया था, जो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आई थी इस मूवमेंट के बाद, यहाँ तक ये जा सकता है। अब आपको मैंने देखिए गाइस दो चीज़ें बता दी है, नोट करिए एक्सिस बैंक के अंदर। सबसे पहले एक तो इसमें बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बना है यहाँ से, दूसरी बात हमने देखा कि जहाँ से गिरावट आई है हमने देखा 2 महीने का जो कंसोलिडेशन जो रेंज थी उसके ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दिया है, 100 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट के अंदर। तो अगर गाइस अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस हफ्ते 700 या 690 के ऊपर अगर बंद हो जाता है, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, अगर ये 690 के ऊपर गाइस अगर बंद हो गया तो 800 और 800 के ऊपर के लेवल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। बस हमें देखना ये बाकी है कि ऐसा ना हो कि ये स्टॉक दोबारा यहाँ से नीचे चले जाए और हम देखते रहे कि इस हफ्ते के अंदर ये शेडो देखने को मिली है। तो गाइस आपको बस इतना मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक 700 या 690 के आसपास मिलता है तो अपनी इसमें बाय पोजीशन बनाइए, और वहाँ से जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम 750 के, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ, 700 का लेवल पे ही आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि 750 का इसका पोजिशनल टारगेट है। अपने क्लाइंट्स को भी मैंने ऑप्शंस के थ्रू इसमें काम करवा दिया था, 7 रुपये का कॉल मैंने, जो 7 रुपये का जो प्राइस था उसको मैंने बाय करवा के 21 रुपये में बिकवाया है गाइस, यानी कि 3 गुना में बिकवाया है, और अभी भी हम होल्ड कर सकते थे पर मैंने बिकवा दिया गाइस। पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम काम करते हैं, सिर्फ पैटर्न्स और ब्रेकआउट स्टॉक्स के बीच में ही हमारा काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी है, मैं अपने सारे ट्रेंड लाइन्स को हटा देता हूँ। अब हम फिबोनाची के ऊपर टारगेट की स्टडी करेंगे और स्टॉप लॉस की स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस। अब हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए गाइस यहाँ से लेवल से लेके जो हमने देखा बटरफ्लाई पैटर्न की, मैं सबसे पहले स्टडी कर रहा हूँ बटरफ्लाई पैटर्न का, मैंने यहाँ से यहाँ लिया और उसके बाद मैंने ये लेवल ड्रॉ कर लिया। तो अरे आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड जी गाइस, बटरफ्लाई पैटर्न ये देखिए यहाँ से लेकर मैंने ये अपने हाई तक का बटरफ्लाई पैटर्न ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये कन्फर्मेशन कैसे आती है, बटरफ्लाई पैटर्न की कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलती है। ये हम देखते हैं एक अप मूव आई,
अपमूव आने के बाद हमने देखा एक करेक्शन आई। करेक्शन में वो क्या करता है, वो करेक्शन में ये आप देखते हैं तीन लेवल्स आपको दिख रहे हैं, 38, 50 और 61। जो एक डाउन साइड में जो करेक्शन आएगी वो 61% रिट्रेसमेंट लेवल से नीचे नहीं आनी चाहिए, या फिर अगर वो उसके नीचे आती है, वरना अगर वो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर होती है तो हम देखते हैं कि वो कोई बटरफ्लाई पैटर्न नहीं बनाया, वो एक गलत फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसने 61% रिट्रेसमेंट लेवल पे अपना सपोर्ट लिया, बाउंस करा, नीचे आया, और जो नीचे पे हमने बाय लेवल रिकमेंड करा वो बाय लेवल कैसे रिकमेंड करा देख सकते हैं, एग्जैक्ट 161.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे जाके ये बार बार कंसोलिडेट करता था। और उसके बाद हमें क्या देखना है, जहाँ से वो रिवर्स करेगा, जिस लेवल से वो रिवर्स करेगा, रिवर्स का लेवल क्या है, 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल, वहाँ पर क्या कोई एक सपोर्ट है या नहीं है। हाँ गाइस, 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट है, और आपको देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हैं ये गाइस, सॉरी ये ट्रेंड लाइन हट गई होगी, ये गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, वो मेरे से भी हट गई। वहाँ पर 2015 से लेकर अब तक यानी 4 साल का जो इसका लो था, अगर हम लोग जैसे मैच करें नीचे की तरफ सपोर्ट ढूंढे, तो वो सपोर्ट भी एग्जैक्ट यहीं पर ही आ रहा है। तो मतलब ये एक अच्छा रिजल्ट था, ये एक अच्छा हम कह सकते थे कि रिवर्सल साइन था, कि जब भी आपको 640 के आसपास मिले आप वहाँ पर बाय करिए, और आपको जब भी ये अपने 50 दिन के मूविंग एवरेजेस के आसपास मिले तो एग्जिट करिए। गाइस मैंने अपने बहुत से क्लाइंटों को यहाँ पर रिकमेंड करा भी है, और मैंने यहाँ एग्जिट नहीं करवाया गाइस, मैं 138.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास एग्जिट करवाता था, यानी कि 30-40 पॉइंट लेके मैं एग्जिट करवा देता था। अब गाइस इसका टारगेट फाइंड करने की कोशिश करें तो टारगेट हमें क्या दिखा रहा है, 61% रिट्रेसमेंट लेवल जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 760 का लेवल, यानी कि जो अल्टीमेट जो फर्स्ट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वो है 760 या 750 का टारगेट, जो कि मुझे लगता है वो ज़रूर दिखा देगा। दूसरी बात, जो हमारा एक सेकेंड टारगेट होना चाहिए, वो सेकेंड टारगेट होना चाहिए 790 का टारगेट, जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो इधर आना चाहिए था, थोड़ा नीचे आना चाहिए था, तो आप मान के चल सकते हैं गाइस। तो 790 का अल्टीमेट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से, और जो मुझे दिखा रहा है कि बटरफ्लाई बुलिश पैटर्न बना है जिसका टारगेट मुझे दिखा रहा है, समझ सकते हैं गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले टारगेट की तरफ बढ़ना है, जो कि है 750 या 760 का टारगेट। अब दूसरी बात, अब अगर हम टाइम की बात करें तो ये कितना टाइम ले सकता है, जो मैंने आपको बताया, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टाइम में परफेक्ट हम लोग नहीं बता सकते पर्टिकुलर स्टॉक अपने टारगेट तक रीच करने में कितना टाइम लगाएगा, पर गाइस आप देख सकते हैं स्टॉक ने रिवर्सल यहाँ से दिया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता आप देख सकते हैं, यानी कि एक महीना आप देख सकते हैं, 1 महीना 1.5 महीना आप मैक्स मान के चलिए, मैं आपसे कह रहा हूँ 1.5 महीने के अंदर हमने ये गिरावट देखी, पर जब ये ब्रेकआउट दिया है तो ये कम से कम 1.5 महीना या 1.5 महीने का आधा टाइम लगा सकता है अपने पुराने ये इस रेंज तक पहुँचने में, अपने पुराने प्रीवियस हाई तक पहुँचने में। 880 अगर ये पहुँचता है तो गाइज ये मुझे लगता है कि 20 या 25 दिन के अंदर अंदर ये आराम से पहुँच जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न गाइस, सिमिलर पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर भी बनाएगा, सिमिलर टू सिमिलर पैटर्न, सिमिलर चार्ट, सब चीज़ें बैंक निफ्टी के अंदर भी बनी है, और मैं आप लोगों को बता बता के थक गया था अपने इस वीडियो के अंदर कि गाइस आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है, मैं आपको सब बता चुका था, किसके ऊपर निकले तो आपको बाय पोजिशन बना लेनी चाहिए। अगर आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल गाइज अगर पता होता, अगर आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल अगर हमने उस वीडियो में देखा होता, तो आज जो 1500 पॉइंट की आपको जो रैली देखने को मिल रही है गाइज, जो आज बैंक निफ्टी का लो है, एग्जैक्ट लो मैं आपको दिखाता हूँ गाइज एक बार, अगर आप देख सकें ये आप लो देख पा रहे हैं, क्या है ये लो, 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल जो बैंक निफ्टी ने आज अपना लो बनाया गाइज। इस लो से आप बाय भी कर सकते थे, और आप देख सकते थे कि 29,800 पे अगर आप बाय करते तो हाई जो इसने बनाया है वो 30,800, यानी कि आप देख सकते हैं 1000 पॉइंट की रैली आपको आज के आज मेरे सिखाए हुए चीज़ से आपको देखने को मिल सकती थी गाइज। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो नोट नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते। मैं अपने जो मेरा एक दूसरा जो ट्रेडिंग टर्मिनल है मैं उसके थ्रू ट्रेड करता हूँ गाइज, मैं वो आपको नहीं दिखा सकता, पर मैं आप देख सकते हैं कि जो लेवल मैं आपको बताता हूँ वो एग्जैक्ट लेवल्स होते हैं, वो एग्जैक्ट परफेक्टली टारगेट्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ।
हमारे साथ जुड़े रहेंगे गाइस तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उस हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना ये है, जो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, जो आपको यूट्यूब का आइकन दिख रहा है, उसे क्लिक करके यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दबा देना है। साइड में बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी ऐसी वीडियोज़ अपलोड होंगी उसका आप एग्जैक्ट फ़ायदा उठा सकेंगे। और इस वीडियो को मेरे चैनल को हर जगह शेयर करिए, हर जगह फैला दीजिए, इंस्टाग्राम ट्विटर का गाइज, फेसबुक के अपने पेजेस हैं उस पर फैलाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर फैलाइए गाइज। उससे होगा ये कि सब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकेंगे, जो मेरा कोर्स है उसे भी इनिशिएट कर सकेंगे। कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको फ्री में सिखाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के आपका ग्रुप बना के उस पर सिखाया जाएगा। सारी चीज़ें आपको इस चैनल के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूँ गाइस। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरा चैनल आप रिव्यू करिए, देखिए आपको जो वीडियोस आप देखते हैं सारी वीडियोस देखिए, और उसके बाद अगले दिन नोटिस करिए कि क्या वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा, जो अपने ख्याल है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को गाइज वाइंड अप करता हूँ। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो ये एक्सिस बैंक का जो मैंने आपको स्टॉक बताया जो ब्रेकआउट निकला है, ऐसे 3 या 4 स्टॉक मुझे अभी मिले हैं इतनी रैली होने के बाद भी, अभी भी वो बाय के लेवल पे बने हुए हैं, अभी भी उसने ब्रेकआउट दिया है। सो गाइस वो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाने पे, और वो जैसी वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाएगी, तुरंत आपको मिल जाएगी वो वीडियो और लाभ उठा पाएंगे गाइस। वो जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं उनके हम जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दिए या कर देंगे थोड़ी देर में, जो भी बचेंगे और उससे वो अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे। सो गाइस शुक्रिया, मिलता हूँ अगली वीडियो पे आपसे।